ये इनका रूम है, ये वाली बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग है, नाइन्थ फ्लोर है ना का। ठीक है भाई, ये इस करने जा रहे हैं उधर पे। इसके बीबी भाई 90% लोगों ने किसी ने हेलमेट नहीं लगा रखा। अगर आपने हेलमेट लगा लिया तो आप 5000 का चलाना है आपका। ठीक है, तो कोई भी फॉलो नहीं करता रूल्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो क्या हाल चाल है सबके भाई? भाई सुबह और के बजे हुए हैं 9 और हम लोग निकल चुके हैं। चेकआउट कर लिया हमने 9 बजे से पहले ही, 9 से भी 10-15 मिनट पहले ही हो रहे हैं इनफैक्ट। और अब हम सामान वामान रख रहे हैं गाड़ी में वापस। और आज की अपनी जो व्लॉग है वो पूरी होने वाली है भाई। आज हम जा रहे हैं याना को ड्रॉप करने। हैं मेरे तो यहीं रखा बैग, मैंने निकालो ना। अब भाई ये रे ना पूरा फनंकुर मामा का। अब हम जा रहे हैं गाइस राजकोट, राजकोट याना को ड्रॉप करेंगे इसे कॉलेज में, वो दिखाता हूँ आपको। और शाम को जाएंगे हम गिर जंगल, वो भी आपको एक्सप्लोर है। कहाँ कौन सा बैग छूट गया? मेरा तो बैग यही, मैं किसको बोलूँ? एक तुम्हारे कमरे में है ना, देख कर भाई बैग रह गया। देख ये देखो, काम नहीं कर सकते। सो गाइस बैग रह गया था एक। हाँ तो मैं कह रहा था याना को ड्रॉप करने के बाद भाई हम जाएंगे शाम को फिर गिर जंगल। उधर एक अपने नोन अंकल है तो उनसे मिलेंगे, वहीं पे स्टे करेंगे गांव में ही है। ये देखो राम राम लड्डर, राम राम जी, राम राम। अरे चश्मे की वो कौन, एक साइड की, एक साइड ही तन तोड़ देना कल। अच्छा ठीक है। हाँ तो गाइस दिखाता हूँ फिर मैं आगे। ठीक, मॉइस्चराइजर नहीं लेके आया था कोई भी हम में से, तो मैं एक बार मॉइस्चराइजर देखने आया हूँ सुबह सुबह इधर पे। ये देखो भाई, भाई मॉइस्चराइजर मिल जाएगा हाथों हाथ में लगाने का, वैसलिन टाइप कुछ। और ये तो होटो पे लगाने की है, वैसा कुछ हाथ में नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए लिया है बॉडी लोशन, कोई कैरी नहीं करके लाया था। ये पता नहीं कौन सा डाबी, डाबी बॉडी लोशन, ये गुजरात में मिलता है बस। और हमने अभी अभी इधर पे चाय बनवा ली थी, हमने कहा सुबह सुबह चाय पीते हुए चलते हैं। ये देखो यहाँ से बस निकलेंगे सीधा राजकोट के लिए। और क्या बोलते हैं, अभी यहाँ से 5 घंटे का रास्ता है राजकोट का, 5.5 घंटे का ही है। अभी हम अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में रुके हुए थे इधर से, क्योंकि अहमदाबाद में सारे होटल्स बिल्कुल फुल थे। आज मैच है, फाइनल मैच है आज इंडिया का, तो इस वजह से बाकी चाय वाय। भाई चाय आ चुकी है। कुणाल भाई कैसा टेस्ट है चाय का बताओ? बढ़िया है ना चाय? चाय बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाई हुई है, मजा आ गया भाई पी के। अभी हम एक टी ब्रेक के लिए रुके हैं रास्ते में। और क्या बोलते हैं, अभी ये रह गया अपना 1.5 घंटा रह गया राजकोट ना, मतलब याना का कॉलेज है जो राजकोट में, वो 1.5 घंटा रह गया। अभी हम रास्ते में टी ब्रेक के लिए रुके हैं, ये देखो। तो अभी मैं ये बता रहा था कि भाई मैंने 2-3 चीज़ें नोटिस की हैं यहाँ पे आके। एक तो राजकोट एक बहुत ही बड़ी स्टेट है ना, तो उसके चक्कर में ना एक मतलब बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। अब आप आइडिया लगा लो, अहमदाबाद से राजकोट भाई 5 घंटे लगा लो, 4.5-5 घंटे अहमदाबाद से राजकोट। इतने में तो भाई हमारे वहाँ दिल्ली में तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट क्या भाई, पहाड़ों में ही पहुँच जाए, नैनीताल चले जाए 6-7 घंटे में, तो भाई यही है। बाकी तो इस साइड हो जाए, इस साइड, अरे ऐसे बना ले। और बाकी मैं कह रहा था भाई जैसे पोल्यूशन वगैरह हो रहा है ना अपने वहाँ, अभी मैंने यहाँ पे देखी, यहाँ पे ना ज़्यादा मतलब डेवलप तो है, बट जैसे बहुत बड़ी स्टेट है तो बहुत जगह खाली भी है। जैसे अभी देखो हम यहाँ रुके हैं ना, ये देखो आपको आइडिया लग रहा होगा ना, पूरा मतलब जितना है ना बहुत खाली खाली है। और एक चीज़ और, यहाँ पे ना मतलब जो खाली एरिया ना उनमें खेत वेतों में ना लोगों ने आग लगा रखी है, वो जो जला देते हैं ना। पहले मेरे को लग रहा था कि एक ही जगह लगा रखी है, गलती से लग गई हो या कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाई यहाँ पे बहुत सारी 4-5 जगह तो मैंने अभी खुद ही देख लिया लगी हुई आग। उनके चक्कर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट यहाँ तो फिर भी कम है, वो सारा उड़ के अपनी साइड ही आ जाता है। और अब देखते हैं, भूख लगी है, अभी हम मैकडी जाएंगे। मैकडी इधर आसपास में है नहीं, दूर दूर है सारी चीज़ें, तो राजकोट में इसके कॉलेज के पास ही जो नियरेस्ट मैकडी है उसी में जाएंगे। ठीक है, और दिखाता हूँ गाइस यहाँ पे एयरपोर्ट है, हिरासर एयरपोर्ट जो कि नया बन रहा है ना अभी। देखो अब आए भाई इधर से, अभी ये नया बन रहा है राजकोट में, वरना पहले लोग आते थे तो सीधा अहमदाबाद से आते थे। इंटरनेशनल बन रहा है और अभी बन रहा है अभी। हाँ वही तो कह रहा हूँ, बन रहा है, नहीं तो पहले अहमदाबाद से ज़्यादातर लोग आते थे ना, बड़ा अहमदाबाद वाला था, लेकिन अब यहाँ राजकोट में भी बन रहा है। और ये देखो
रोड भी भाई बहुत ही बढ़िया बढ़िया है, रोडों में भी कहीं कोई रोडो तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बस इसके में थोड़ी धचकी है रोडों में बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो। दिखलाओ ये तो नितिन गडकरी का हवाले करने पड़ेंगे भाई, गडकरी से मिलवाना पड़ेगा आपको आपके रोड। बुद्धि मत पकड़। वैसे कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम लोग बस पहुंचने वाले हैं इसके कॉलेज के बाहर और 2.5 किलोमीटर रह गए, 6 मिनट। तो जो भी बच्चे हैं इधर पे उनके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी है क्योंकि आसपास में मार्केट भी है, इजीली सारी चीज़ें मिल भी जाती है जो बच्चे हॉस्टल में रुकते हैं। डी मार्ट भी है बहुत बड़ा और बहुत ही रेजिडेंशियल एरिया है, ऐसा नहीं है कहीं उजाड़ में जैसे जंगल वंगल में। और कॉलेज का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज और मतलब सारी चीजें ही है यहाँ पे, बढ़िया है, मार्केट है काफी अच्छी। आपको डर लगना स्टार्ट हो गया है जैसे जैसे कॉलेज पास हो रहा है आने वाला है। या ना क्या हुआ या ना, देख कूल कूल देख ना मामा, कूल पार्लर, आंसू आ गए इसकी आंखों में। गाइस इसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जैसे हमें नहीं लगता था स्कूल में जब पीटीएम होती थी स्कूल में, तो जब स्कूल के पास जाते थे पेट अजीब सा होता था, तो सेम इसको वो वाली फीलिंग आ रही है अभी है ना। तो अब दिखा दो इसको कॉलेज ना पहुंच के सीधा डायरेक्शन कैसे समझेगा कोई, ये देखो मैं बताऊं रेलवे स्टेशन, जामनगर रेलवे स्टेशन समझ में आ रहा है, और ये देखो जामनगर पहुंच चुके हम। ये बिल्डिंग उसकी है क्या बोलते हैं, यहाँ पे होटल्स भी है, प्लैटिनम और TGT दो होटल्स है, इसमें भी रुक सकता है अगर कोई आ रहा है तो बच्चों के पास अपने कॉलेज में। अब यहाँ ना बताइए हमें रास्ता, अंदर लेना इधर से, ये सामने क्या पार्क बना रखी है छोटी सी, नहीं चल लो ना थोड़ा सा, ये बिल्कुल जावे लोग यहाँ तक कभी चालान कटवाया ना है, फिर बहुत लंबा जाना पड़ेगा। चलो तो भैया चल या ना रॉन्ग साइड लेके जा रही है हमको, ये देखो भाई रॉन्ग साइड जा रहे हैं हम, सिस्टम है डर है ना गुजरात में भी इस वाले हैं क्या, इसमें इसमें राइट ये राइट है, ये अब ये बता ये हॉस्टल है, ये नर्सिंग वाला है, ये नर्सिंग वाला है, ये नर्सिंग वाला है, ये मेडिकल वाला है सामने बिल्कुल, ये मेडिकल वाला है गाइस सामने ना बिल्कुल, ये जो है ये हॉस्टल है ना, और वो हॉस्पिटल कितनी दूर है राइट राइट में लगा लो। अब याना का पहले सामान उतरवाते हम, चलो भाई उतरो। इसमें सारे रेजिडेंट सब इसमें हैं। रेजिडेंट कौन? अरे रेजिडेंट। रेजिडेंट कौन? पीजी वाले। अच्छा। याना। रोना आ रहा है? नहीं। अभी अंकुर मामा भी स्टोरी बताएंगे थोड़ी देर में अपने उसकी हॉस्टल की। याना टीचर है क्या? पीजी स्टूडेंट से। पीजी स्टूडेंट से? टीचर लग रहे इतने बड़े बड़े। उतारो भाई सामान उतारो चलो याना का। गाइज अभी पहले इसका हम सामान वामान उतरवा देते हैं, उसके बाद इसका हो सकता है रूम में से अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि गर्ल्स है, तो एक बार रिक्वेस्ट करके देखता हूँ अगर ऊपर जाने देंगे गार्ड्स तो फिर रूम भी दिखाऊंगा इसका। बाकी बिल्डिंग अभी बाहर से दिखाई देता हूँ आपको मैं, और फिर हम जाएंगे कुछ खाने याना के साथ, हम चलेंगे पूछते हैं इसे क्या खाना है, पहले तो ये देख लो आप, ये बिल्डिंग है भाई हाई राइज है। तेरा कौन सा फ्लोर है, कौन सा फ्लोर है तेरा? ये वाली बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग है, फ्लोर है आना का, इसमें डाल देना। क्या क्या लेके जाइए? ओ सोन पपड़ी, ये क्यों रखी है? आगे से उतारू कंबल उंबल, ये लड्डू के और सारी चीजें हमने ले लिए, सूटकेस वगैरह। एक और बैग भी तो है ब्लू कलर को, अरे हाथ में ले रखा है। तो अब हम चल रहे हैं इसको ड्रॉप करने, ठीक है? अब आपको एक छोटा सा टूर करा देता हूँ उसका, इसका हॉस्टल का देख लो भाई। यहाँ से एंट्री की थी हमने जो भी फ्यूचर में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं बच्चे, और यहाँ पे पार्किंग है स्कूटी वगैरह की, ये है ना पार्किंग है बच्चों की, पार्किंग है ना बच्चों की स्कूटी की, ये जो बच्चे स्कूटी ले लेते हैं आके उनके लिए पार्किंग, और ये वाली बिल्डिंग है, हाँ ये हमारी क्लासमेट थी उसकी स्कूटी है, ये ना बता रही है।
या ना सब्जी कैसे रखी है सामने? सब्जी गाइस सामने देखो, सब्जी वब्जी रखी है बच्चों के लिए। जो बच्चे आए यहाँ पे गार्ड अंकल भी है जो कि चेक करते हैं मतलब सारी चीजें, एंट्री वेंट्री बच्चों की। देखो बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके उन्होंने अंकल ने मेरे को भेजा। क्या हुआ? देखो सामान यहाँ का सारा कैरी करके लाई, पूरे घर का सामान लेकर आ गई। बनाऊं या वीडियो ना बनाऊं? अंदर रूम दिखाता हूँ मैं आपको, अभी रूम दिखाऊंगा सीधा। गाइस हम रूम में आ चुके हैं यहाँ के में, और एक बार मैं बाहर अलाउड नहीं हूँ, थोड़ा सा दिखा दूंगा। लाइट ऑन कर, ये देखो। तो फाइनली ये इनका रूम है, इन्हें ये दी हुई है दो कबर्ड, एक ये इसकी रूममेट है लड़की, इसकी फ्रेंड संजना, और ये याना की है, और ये इसकी फ्रेंड की है, और ये सीनियर्स ने लिखा हुआ है इनकी उन पे, और ये इन दोनों के बेड है, ये स्टडी टेबल है, और यहाँ पे बालकनी भी है बाहर एक अच्छी सी, लेकिन कबूतरों का बहुत पंगा रहता है। देखो बीट, ये कबूतरों के काम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कबूतर आते हैं बालकनी में ना। कौन सा ये नया हॉस्पिटल बन रहा है, क्या नाम है? मटर्नल मटर्नल एंड चाइल्ड का, और वो है चर्च। ये चर्च है सामने एक इधर, और ये तो ऐसे ही बिल्डिंग है, पीछे की साइड नर्सिंग, और नर्सिंग भी है एक पीछे की साइड ना। तो ये इनका रूम है, यहाँ ये अपनी बुक्स वगैरह रख लेते हैं, और ये सारा सामान यहाँ से लेकर आइए घर से। तो चले नीचे चले, तो देख लिया गाइस रूम, और मैं बंद कर रहा हूँ वीडियो, मैं नीचे ही बना पाऊंगा क्योंकि ये अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, गर्ल्स हॉस्टल है। सो गाइस हम लोग देख कर आगे ऊपर से आना का गर्ल्स हॉस्टल, और बाकी वीडियो बना ली ना, देखियो वीडियो बना दी ऊपर जाके। सो गाइस अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, मैकडी जा रहे हैं, आना मैकडी का बोल दिए, तो उधर पहुंच के इसे पहले कुछ खिलाते हैं इसकी मनपसंद चीजें, फिर से छोड़ना पड़ेगा इसके हॉस्टल। क्या चलो ठीक है फिर दिखा दूंगा। पास ही में स्वामीनारायण का टेम्पल भी है, सबसे फेमस और बहुत ही सुंदर है। और भाई एक चीज और देखिए, हमने यहाँ पे कोई भी भाई 90% लोगों ने किसी ने हेलमेट नहीं लगा रखा, कोई भी रूल 99% लोगों ने कोई भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। देखना कोई भी देख लेना आप, यहाँ पे भाई एक चीज है उल्टा, मैं थोड़ी तेज करना और दिखा दूँ, ये देखो यहाँ पे उल्टा सीन है भाई, अगर आपने हेलमेट लगा लिया तो 5,000 का चलाना है आपका, ठीक है? तो कोई भी फॉलो नहीं करता रूल्स, कहीं से भी गाड़ी आ जाती है ऐसे, कोई रेड लाइट वगैरह कोई फॉलो नहीं कर रहा। आप मॉल में एक मैकडी में आए हैं, आप दिखा दूँ आपको इधर की ना। मामा कह रहे हैं हग करूँगा मैं जाते ही अभी, मामा एक बार प्लीज। सो गाइस हम आ चुके हैं मैकडी में, यहाँ पे तो चॉकलेट रूम भी है। क्या ठीक है भाई, बढ़िया अच्छे से बना, इंटीरियर भी बढ़िया किया हुआ है देखो। फाइनली अपनी कोल्ड कॉफी आ चुकी है, ये देखो इन्होंने शुरू भी कर दिया। भाई मैकडी का जैसे वो है ना, बोलते हैं आई एम लविंग इट, तो गुजराती में बोलेंगे मैंने सारू लागे अच्छे, हिंदी में बोलेंगे मुझे अच्छा लग रहा है, मलयालम में क्या बोलेंगे? मलयालम में क्या बोलेंगे आई एम लविंग इट को? आई एम पोडेड है, ये तमिल है, तन कल पहले क्या सारू लागे अच्छे था, मतलब क्या रहा तले को बतेंगे आंटी छे ओने डी कर छे ने नथी तन को ना बोला जय बाप बाकी। सो फाइनली याना को हम ड्रॉप कर रहे हैं वापस, अब याना हम आपसे मिलेंगे जनवरी में, हमारे घर पे एक फंक्शन है जब हम जनवरी में मिलेंगे आपसे, जनवरी में फंक्शन है और तो ठीक है गाइस हम याना को ड्रॉप कर रहे हैं अभी, और फिर दिखाता हूँ आगे, ठीक है? वैसे तो बहुत याद आती है घर की जब ऐसे आते हैं ना हॉस्टल से, अभी अंकुर मामा एक्सप्लेन करेंगे गाड़ी में बैठ के, बताएंगे गाड़ी में बताएंगे गाड़ी में बताएंगे, ठीक है बताएंगे। सो गाइस ये देखो लटक रही उसमें से, ठीक है भाई ये इसका इधर पर रूम है, ठीक है बाय बाय। याना को हमने उसके हॉस्टल ड्रॉप कर दिया, और वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, उसके चक्कर में हम भी इमोशनल हो गए थे सारे अभी, लेकिन एक चीज़ है भाई यार दिमाग ख़राब कर दिया, तो हमने उसे ड्रॉप तो कर दिया है, बाकी अब हम बात कर रहे थे अभी हॉस्टल में यार मन नहीं लगता जब स्टार्टिंग में जाते हैं, हम तो गए नहीं कभी, बट अंकुर मामा थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहते हैं अपनी, अंकुर मामा हॉस्टल में थे
तो मामा बताओ जी जरा भाई, हॉस्टल में आदमी सिर्फ दो दिन एक दिन के लिए रोता है क्यों? घर की याद आ जाए तो थोड़ी माँ बाप भाई भाई वहाँ के बाद ना देखा कौन भैया कैसा भैया कौन माँ बाप चले अपना तकिया तारी कम्बल ओढ़ सो गए। आप मैंने सुनी आप हॉस्टल में छुट्टी में घर ना करे है हम ना आगरे कौन घर से फोन आगरा आओगे ना नाम तो मनाली जा रहे पार मनाली पहुंचे अपने दोस्त के घर सुबह को मुर्गा दोपहर को मुर्गा रात को मुर्गा और चाहिए क्या जिंदगी में ऐसे दिन जाओ। और आपने हथियार रखे रखा है इधर पे हथियार है मेरा असल हम भी रखते हैं प्रधान। ठीक है तो गाइस ठीक है बाकी मैंने हॉस्टल वगैरह का तो आपको टूर कराई दिया था किसका रूम भी दिखा दिया जो भी मतलब एडमिशन लेने की सोच रहा है इस तरह के रूम्स होते हैं भाई एमबीबीएस में ना और ये तो बढ़िया है इससे भी मतलब और बेकार भी होते हैं ये तो बहुत सही लग रहा था मेरे को तो पर्सनली क्योंकि यार इतने बच्चे होते हैं गवर्नमेंट कहाँ तक कितना करेगी। तो ठीक है भाई बहुत फैसिलिटीज़ देती है गवर्नमेंट कॉलेज है। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड भाई मिलते हैं जल्दी अगली ब्लॉग में ठीक है।